हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ ज्वेलरी और साड़ियां शेयर करने वाली हूँ। सभी मैंने मिंत्रा से ली है तो लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की। आज के हॉल में मैंने नथ पहनी हुई है तो बता देना अच्छी लग रही है नहीं लग रही, बट हम राजस्थानियों में ना हर फेस्टिवल चाहे कोई पूजा हो उसमें हम नथ पहनना कंपल्सरी ही मानते, मतलब पहनते ही है। और आज का हॉल इसीलिए ऐसा ही होने वाला है, स्पेशली ज्वेलरी हॉल होगा जिसमें मैं बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरीज नथ भी शेयर करूंगी। वैसे ये हॉल करवा चौथ से पहले आना चाहिए था, ऑलमोस्ट उसमें नथ पहनते, बट मैं तो दिवाली पे भी पहनती हूँ, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो दिवाली के लिए भी परचेज कर सकते हो। बहुत ही प्यारी और बहुत ही रिजनेबल नथ्स और ज्वेलरी सेट और साड़ियां शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्वेलरी शेयर कर देती हूँ, उसके बाद वीडियो में मैं साड़ियां शेयर करूंगी। सबसे पहले ये वाली नथ शेयर करती हूँ, प्राइस मैं सभी की स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। ये जो है ना ये डायमंड में है, मतलब जरकन में है, और बहुत सुंदर नथ है। मुझे ना स्मॉल साइज की जो होती है ना ये वाली साइज ये ही अच्छी लगती है। दिख रही है पूरे इसमें ना इससे डायमंड लगे हुए, क्वालिटी है ना A1 है इसकी। और ट्राई ऑन देख लेना कि कितनी प्यारी, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी नथ है। तो मुझे ना बहुत बड़ी साइज की जो नथ होती है ना वो कम अच्छी लगती है, और ये जो नथ है ना ये डायमंड के साथ बहुत अच्छे से जाएगी, जरकन की ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छे से जाएगी। नेक्स्ट ये वाला ज्वेलरी होने वाला है, इसकी भी प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसमें भी आपको नथ मिलेगी, और इसकी साइज देखो, ये वाली जो नथ है ना अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में आपने देखा भी होगा, और ये बहुत सुंदर भी लगती है। साइज बहुत बिग भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, तो परफेक्ट साइज है। जिनको बहुत छोटी नथ पसंद नहीं है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, और इसकी साइज भी परफेक्ट है, क्वालिटी A1 है। पास से ये व्हाइट है ना, डायमंड व्हाइट होते हैं ना, तो ये अच्छे से ले नहीं पा रहा, बट इसमें जो जरकन लगे हुए ना वो एकदम ऐसे लॉक होके लगे हुए हैं, तो ऐसे नहीं है कि इनके जरकन निकल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाली ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ, इसकी भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और ये भी एक नथ है, बहुत ही क्यूट, और इसमें ना ये पीकॉक बना हुआ है, दिख रहा है आपको पास से। साइज वगैरह इसी साइज में है, मे बी इससे थोड़ी बड़ी साइज मिलेगी, बट बहुत अच्छी क्वालिटी की है, फिनिशिंग A1 है, डिजाइन बहुत सुंदर है, डिफरेंट सी एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल की। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाली, पहले मैं आपको नथ दिखाऊंगी, उसके बाद मैं ज्वेलरी सेट दिखाने वाली हूँ, देन मैं आपको साड़ियां दिखाऊंगी। एक ये वाली है, ठीक है, ये भी बहुत क्यूट है। इस तरह की भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और ये अच्छी भी लगती है। इनका ये जो लुक होता है ना ये बहुत डिफरेंट और एकदम हाईलाइट होता है, और ये भी बहुत स्मॉल साइज की है। इनका प्रॉपर लुक तो है ना आपको ट्राई ऑन में समझ में आएगा कि ये किस तरह के। और नेक्स्ट ये वाली नथ होने वाली, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें ना यहाँ पे एक वो जो होता है ना डायमंड लटका हुआ, ट्राई ऑन लगा दूंगी। साइज आपको दिख रही है कि ये किस साइज की है, ट्राई ऑन में आप इसका प्रॉपर आपको दिख जाएगा, क्योंकि क्लोजअप में होगा ना तो प्रॉपर डिजाइन आपको दिख जाएगी, बहुत अच्छी। और ऐसे फील भी नहीं हो रहा, मतलब मैं इरिटेट नहीं हो रही इसको पहनने के। नेक्स्ट मैं आपके साथ है ना ये वाली नथ शेयर करने वाली, जो कि मुझे बड़ी ही सुंदर लगी थी, बट इसका लॉक खराब हो गया ये इस तरह से, तो मैं इसको स्टाइल ही नहीं कर पाई, बट बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये, बट मैं इसको स्टाइल नहीं कर पाई क्योंकि इसका लॉक खराब हो गया। वैसे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ले लेना, क्योंकि लॉक इसका खराब हो गया, वो तो अगर हो जाता है तो हम एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला नेकलेस शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, बहुत सुंदर है, मुझे इस तरह के नेकलेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और इसका लुक देखो, ट्राई ऑन देखना इसका, ये बहुत ही सुंदर है। ये ना इस तरह की ज्वेलरी होती है ना स्पेशली मोती की, ये बहुत ही रॉयल लुक देती है, और इसकी क्वालिटी फिनिशिंग सभी बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही प्यारा ज्वेलरी सेट है। मैं अभी इसके साथ भी स्टाइल करती ना तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये वाला ज्वेलरी पीस है ना, इसके साथ आपको कोई इयररिंग्स वगैरह नहीं मिलने वाले, सिंगल आपको ये नेकलेस ही मिलेगा, तो इयररिंग्स वगैरह इसके साथ नहीं है। और ये खुद ही इतना हेवी है ना कि इसको तो इसके साथ इयररिंग्स पहनने की जरूरत भी नहीं होती, बट अगर आप फिर भी पहनना चाहो तो कुछ स्टड होते ना वो इसके साथ स्टाइल कर सकते हो, लॉन्ग तो इसके साथ वैसे भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी है और लुकिंग भी बहुत अच्छी। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला
मंगलसूत्र शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं पहनती हूँ अपनी वीडियो में, और आप बहुत कमेंट भी करते हो इसके लिए। ये बहुत सुंदर है, देखा इसकी फिनिशिंग क्वालिटी सभी बहुत अच्छे। कुसल्स की जो ज्वेलरीज होती है ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब फिनिशिंग क्वालिटी सभी आपको A1 मिल जाएगी। तो ये जो मंगलसूत्र है ना, ये आपको लगेगा ही नहीं कि आपने आर्टिफिशियल पहना है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुकिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ले। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला नेकलेस शेयर कर देती हूँ, ये भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे मैं आपको ट्राई ऑन देख लूंगी, क्योंकि वहां पे आपको पास से दिख जाए। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और देखो कितना रॉयल लग रहा है ना पहनने के बाद, और एकदम लाइट वेट है। साथ में आपको ये वाले स्टड मिलेंगे, साइज स्मॉल है, बट देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत स्मॉल साइज नहीं है, इनको आप ऐसे भी नॉर्मली भी पहन सकते हो। लुकिंग बहुत रॉयल है, लाइट वेट सा है, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। ज्वेलरी का जो लुक है ना, वो बहुत ही रॉयल है, और इस गेटअप के साथ ये जो ज्वेलरी है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लुक लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है तो आप ये पूरा लुक भी ले सकते हो दिवाली वगैरह के लिए। बहुत प्यारी ज्वेलरी है, और इसमें नहीं रानी कलर के पूरे मोती दिए गए हैं, थोड़ा सा ग्रीन टच भी है, और इस तरह की ज्वेलरी है ना बहुत ही ट्रेडिशनल भी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, और है ना ऐसे गोल्ड वाली फीलिंग दे रही है, मुझे बड़ी सुंदर लगी है ज्वेलरी। तो अगर आपको भी लग रही है तो आप प्लीज। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाली साड़ी शेयर करने वाली हूँ, उसकी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। जिम्मी चू वाला आपको फैब्रिक मिलेगा, जिसमें ये वाला बॉर्डर दिया गया है, ठीक है। पूरी साड़ी में ऐसा बॉर्डर मिलेगा, बीच में आपको ये मोटिफ मिल जाएंगे, और इसके साथ जो ब्लाउज दिया गया है ना, वो भी बहुत सुंदर है, ये वाला ब्लाउज, ठीक है, ब्लाउज ऐसा है। इसमें ना एक ही पोर्शन आपको हेवी मिलेगा, दोनों स्लीव्स भी आपको इसमें हेवी मिलेंगी, और कितनी सुंदर लग रही है। फैब्रिक बहुत सुंदर है, लाइट वेट सी साड़ी है, और लुकिंग वाइज बहुत हेवी है। एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है, जिसकी फिनिशिंग आपको A1 मिलने वाली है। कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और रिजनेबल सी प्राइस में है, और मे बी आपको इसमें और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो अगर आप डिफरेंट कलर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये वाला कलर भी बहुत सुंदर है, दिवाली और फेस्टिवल्स वेडिंग के लिए अच्छा हो। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाली साड़ी शेयर करने वाली हूँ, इसकी भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। वो ही जिमी चू वाला फैब्रिक है, इस फैब्रिक में ना बहुत अच्छी सी शाइन होती है, तो साड़ियों का जो लुक होता है ना, ड्रेस का जो लुक होता है ना, वो वैसे ही बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा, पूरी साड़ी में ऐसे ही बॉर्डर दिया गया है, पूरे गोटे की डिटेलिंग है, बीच में आपको ये मोटिफ मिल जाएंगे, और ये टसल्स भी इसमें दी गई हैं, तो पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलने वाली है। इसके साथ जो ब्लाउज है ना, वो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज है, जिसमें ये रामा ग्रीन है, मतलब ग्रीन भी नहीं है, जिसमें भी आपको गोटे की डिटेलिंग मिलेगी, स्लीव्स है, और ये आपको ब्लाउज मिलेगा एक पोर्शन, और ये दूसरी स्लीव्स है, तो एक ही पोर्शन इसमें हैवी मिलेगा, एक आपको प्लेन बनवाना पड़ेगा। साड़ी का जो कलर है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा कलर है, फैब्रिक भी अच्छा है, और इसपे जो वर्क किया गया है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, वैसे सारी ही साड़ियां बहुत सुंदर है, जिनका वेडिंग और फेस्टिवल्स में आराम से स्टाइल कर सकते हो। लाइट वेट सी साड़ी है, बट लुकिंग बहुत अच्छी है, तो आप आराम से साड़ी ले सकते हो। प्लेट्स वगैरह भी इजीली बन जाती है, जिमी चू है, तो एक बार आपको जचानी तो पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाली साड़ी शेयर करने वाली हूँ, इसकी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये वाली साड़ी मैंने पहले भी परचेज करी थी, बट मैंने दोबारा कर ली। फैब्रिक आपको जॉर्जेट का मिलेगा, जिसमें ये वाला बॉर्डर दिया गया है, बॉर्डर आप पास से देख सकते हो, ठीक है। पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, बीच से आपको ये वाला प्रिंट मिलेगा, इसका कलर बहुत सुंदर है, और इसके साथ जो ब्लाउज दिया गया है ना, वो भी बड़ा ही सुंदर आपको मिलने वाला है, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये वाला वर्क देखो ब्लाउज पे, कितना कलरफुल सा वर्क है ना, और इसमें दोनों स्लीव्स भी आपको हेवी मिलेंगी, तो दोनों स्लीव्स हेवी है, और एक पोर्शन आपको हेवी मिलेगा, और एक पोर्शन आपको प्लेन ही बनवाना पड़ेगा। ये वाली साड़ी भी बहुत सुंदर है, जिस तरह का इसमें बॉर्डर दिया गया है ना, उसी कॉम्बिनेशन में इसमें ब्लाउज दिया गया है, तो इसका जो ब्लाउज बनवा के ये साड़ी स्टाइल करोगे ना, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आएगा। लाइट वेट सी साड़ी है, कंफर्टेबल सी साड़ी है, आराम से आप इजी वॉश कर सकते हो, पूरे टाइम पहन सकते हो, रफ एंड टफ पहन सकते हो, बट लुकिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो आज के हॉल में मैंने आपके साथ ज्वेलरी शेयर करी, साड़ियां शेयर करी, आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।